एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन चक्रवात के तहत सोमवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 192 वाहनों का ई चालान के साथ 16 वाहनों को सीज किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का पालन कराने के लिए ऑपरेशन चक्रवात के तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। यह अभियान शहरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों, संस्थानों, चौक एवं चौराहों पर किया गया, जिसके तहत मोटरसाइकिल से अपराध करने वाले अपराधियों की धरपकड़ एवं चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर नकेल कसने हेतु तथा तीव्र गति से चलने वाली दो पहिया वाहनों, नवयुवकों, मनचले शोहदों की सघन चेकिंग एवं संदिग्धों की तलाशी के लिए चलाया गया, जिसके तहत शहर के दो पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पेपर एवं कागजात की चेकिंग के उपरांत जिन व्यक्तियों के पास कागजात पूरे नहीं थे अथवा संदिग्ध प्रतीत हुए, उन्हें सीज कर दो पहिया वाहनों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर पुलिस लाइन भेजा गया। उन्होंने बताया कि चेकिंग में शहरी क्षेत्र के लगभग 1000 वाहनों को चेक कर 192 वाहनों का ई चालान किया गया तथा 16 वाहनों को सीज किया गया और 23 संदिग्धों को थाने पर लाकर पूछताछ किया गया। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, गाड़ी की गाड़ी आगे नंबर प्लेट भी नहीं है, पीछे नाम साइड पे बाहर से आई है तो अभी तक आया नहीं, आती तो कल ही रिसीव हुआ, कोरियर हो गया तो सबका चालान बनता है, थोड़ा ज्यादा 4-5 हज़ार का चालान तो पकड़ जाओ। पहले तो पार्किंग है, कहा तुम अशोक स्तंभ में लगा ले, कहा हो तुम नहीं लगाए, सब सर लगाए, बहुत सर कौन से सर है, बोलो सर कौन है, गाड़ी सर लगाए, नहीं नहीं गाड़ी है, गाड़ी तुम्हारी है, नहीं सर हटवा देंगे सब, देखिए आज गुड मॉर्निंग गोरखपुर अभियान सुबह चलाया गया, तत्पश्चात 10 से 5 बजे तक हमने ऑपरेशन चक्रवात के तहत चेकिंग की, नई उम्र के लड़के जो बाइकों पर घूम रहे हैं उनके कागजों को चेक किया गया और इसी क्रम में हमने लगभग 1000 वाहनों को चेक किया है पूरे नगर क्षेत्र में और उसमें से हमने 192 वाहनों का चालान किया है, 16 वाहन हमने सीज किए। ये वाहन चेकिंग चलता रहेगा, अभी जो घटनाएं कुछ बढ़ी हैं उसी क्रम में हमने ये अभियान चलाया है, पूरे दिन का अभियान चला है, इसमें सभी सब इंस्पेक्टर, चौकी प्रभारी, SHO, CO को बाहर निकाला गया था, सब सड़क पे थे, बैरियर चेकिंग ऐप पे जो भी उन्हें संदिग्ध व्यक्ति दिखता था उसकी उन्होंने एंट्री की है, अभी उसका विश्लेषण किया जाएगा और जो घटनाएँ घटी हैं उससे इनको जोड़ा जाएगा।